नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीप एजुकेशन में। आज मैं फिर आपके लिए सी टेट और विभिन्न स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स की एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। मेरी पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वही गद्यांश हमने पूरा किया, आज हम आपको पद्यांश जो कि सामान्य हिंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आज पद्यांश की हम अभ्यास करेंगे, पद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ के पहले उसका अर्थ समझते हैं। तो पद्यांश है हमारा, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो पद्यांश हैं वो दोहे हैं और रहीम दास जी के दोहे हैं, जिसमें से पहले दोहे का अर्थ है कि रहीमदास जी यहाँ पे पानी शब्द का एक बार उपयोग कर रहे हैं कि पानी शब्द एक है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो तीन जगह पे हैं कि पानी के बिना ना मोती होता है, ना मनुष्य होता है, ना ही आटा गूंदा जा सकता। मनुष्य के लिए पानी इज्जत का काम करता है, मोती के लिए पानी एक घर का काम करता है जिसमें ही पानी में ही सीपी होती है और सीपी में ही मोती बनते हैं, और चून यानी कि आटा यानी कि जिस आटे से मनुष्य की भूख तृप्त होती है उस आटे को गूंदने के लिए भी पानी चाहिए। तो यहाँ पे एक पानी शब्द के विभिन्न तीन अर्थ देते हुए रहीम दास जी उसका अर्थ श्लेष अलंकार के साथ आपको समझा रहे हैं। दूसरे धागे में प्रेम के धागे का महत्व, दूसरे वाले दोहे में प्रेम के धागे का महत्व बताया जा रहा है कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है, प्रेम रूपी डोर होती है, उसको हमें चटकाना नहीं चाहिए, मतलब झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। जब हम लोग शब्द बाण चलाते हैं, आपस में विवाद करते हैं, तो शब्दों के बाण घातक सिद्ध होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रेम रूपी धागा है वो झट से टूट तो जाता है लेकिन टूटने पे फिर कभी नहीं जुड़ता। एक सिंपल धागा भी आप ले लीजिए, उस धागे को अगर आप तोड़ेंगे ज़ोर से तो वो अलग अलग हो जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा, कोशिश करने पे भी नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ भी जाएगा तो उसमें एक गांठ आ जाएगी यानी कि रिश्ते में वो खटास पैदा हो जाएगी। तो ये दोनों ये जो अर्थ हैं इन दोनों दोहों के हैं। तो जब भी आपके पास पद्यांश आएगा तो पहले आपको पद्यांश का अर्थ समझना है, क्योंकि पद्यांश आपका अगर दोहे वगैरह कुछ ऐसा आता है तो ज़्यादातर पठित होता है, ठीक है। तो पठित अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको उसका अर्थ अच्छे से आता है। अगर अपठित आ जाता है, आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं, तो उसके जो शब्द हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गद्यांश हो पद्यांश हो, CBSC ने अब जो केस स्टडी के क्वेश्चंस निकाले हैं, केस स्टडी के प्रश्न निकाले हैं, उसमें आपका पूर्व ज्ञान यानी कि आपकी जो सामान्य व्याकरण है वो पद्यांश गद्यांश में भी पूछी जाएगी। तो उसका कोई भी एक निश्चित पाठ्यक्रम या निश्चित क्राइटेरिया नहीं जोड़ा गया है कि कहाँ से क्या चीज़ पूछ ली जाएगी। तो थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों पर अपना गौर करें। पानी का पर्यायवाची है पीर, पीयूष, निधि, नीर। तो इन चारों ऑप्शंस में आप चारों के अर्थ की पीर, जो ये पीर फकीर है उनको कहा जाता है, पीयूष कहा जाता है अमृत को, निधि कहा जाता है खजाने को, और नीर कहा जाता है पानी को। तो पानी का पर्यायवाची होगा नीर। चटकाए से तात्पर्य क्या है, आपने दोहे का अर्थ करते हुए चटकाए शब्द का अगर अर्थ जान लिया है तो आप इसका ऑप्शन देखते ही उसको टिक कर देंगे। उपरोक्त सभी चढ़ाई, आवाज के साथ चटकार या चाटा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे अंतिम दोहे का जो कथ्य है वो क्या है, कथ्य मतलब अंतिम दोहा क्या कहना चाहता है, किस विषय को लेकर अंतिम दोहे की रचना की गई है। तो आपको इसका अर्थ समझाते हुए मैंने बता दिया था कि इस दोहे में किसका महत्व बताया गया है। हम ऑप्शंस देखते हैं,
इनमें से कोई नहीं, प्रेम की महत्ता, गांठ की महत्ता या धागे की महत्ता। तो इसमें कोई गांठ या धागे की महत्ता नहीं, इसमें प्रेम की महत्ता का वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। रहीमन धागा प्रेम का से कवि का क्या तात्पर्य है? रहीम दासी यहाँ प्रेम का धागा किसको बोल रही है? तात्पर्य का अर्थ होता है मतलब। धागा और प्रेम, इनमें से कोई नहीं, प्रेम एक धागे की तरह है या धागे का प्रेम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है कि प्रेम एक धागे की तरह है, बहुत नाजुक डोर होती है प्रेम की। तो ये हेमदास जी हमें इस दोहे के द्वारा समझाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। प्रेम का विलोम क्या होगा? स्वार्थ, अन्याय, क्रोध, घृणा। तो प्रेम का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो घृणा है यानी कि नफरत, घृणा का अर्थ होता है नफरत, ठीक है। स्वार्थ का होता है लालच, अन्याय का होता है जो न्याय ना हो, क्रोध का होता है गुस्सा और घृणा का अर्थ होता है नफरत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। गांठ का समान अर्थी शब्द है, समानार्थी जिसका अर्थ बिल्कुल गांठ के समान है, तो उसका अर्थ गृह, घर होता है, ग्रंथि गांठ होती है, ग्रह जिसको हम ग्रहण कर सके, गति हमारी चाल होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मानुष से अभिप्राय क्या है? मानुष शब्द का अर्थ क्या है ये हम लोग और दो पहले दोहे में इसके अर्थ में समझ चुके हैं। मानव, हानुष, जानवर या राक्षस। तो मानुष का अभिप्राय यानी कि मतलब है मानव। धागा का पर्यायवाची है खाजा, डोरा या डोरी, कपास, पुआल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी क्वेरी हो इससे जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे और भी टेलीग्राम और फेसबुक के पेज से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।